बन जाएगा क्वेश्चन ये। तो पहला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजेस एट वन में लाइक एस्थेटिक्स और टू में डज नॉट लाइक इट। तो डज नॉट लाइक में चले जाएंगे डिसलाइक में, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड टोटल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट वाज कंडक्टेड इन द सर्वे। हाउ मेनी स्टूडेंट वाज कंडक्टेड? 200 स्टूडेंट वाज कंडक्टेड, 200 स्टूडेंट कंडक्टेड इन ए सर्वे। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 200। क्वेश्चन नंबर 7, कितना है क्वेश्चन नंबर 7 में सिंपल स्पेस नंबर ऑफ एस 200। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है किसका? तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए लाइक एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स को कितने स्टूडेंट लाइक किया? लाइक एस्थेटिक्स को कितने स्टूडेंट लाइक किया? तो लाइक किया हुआ 135, यानी नंबर ऑफ इवेंट इज 135, यानी इवेंट 135 नंबर ऑफ ई इक्वल टू 135। नाउ वी फाइंड ऑलरेडी नंबर ऑफ ई एंड नंबर ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी यानी पीई नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस 135 बाय 200। नाउ डू इट इन प्लेस फॉर 5 से 40, 5 टू द 10 7, 5 द 35 अभी 27 बाय 27/40। क्वेश्चन नंबर 7 का वन। नंबर 2 फाइंड करना है डज नॉट लाइक इट। नंबर 2 में डज नॉट लाइक इट जो एस्थेटिक्स को लाइक नहीं करे सर, जो एस्थेटिक्स को लाइक नहीं करे उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो कितना डिसलाइक किया आपको? लाइक किया 135, तो 200 माइनस 135 यानी डिसलाइक स्टूडेंट 65 यानी नंबर ऑफ इवेंट इक्वल टू 65। नंबर ऑफ इवेंट इक्वल टू 65। प्रोबेबिलिटी पी नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस 65 डिवाइडेड बाय 200। फाइव से 13, 5 से 40 यानी 13 डिवाइडेड बाय 40। इसका प्रोबेबिलिटी क्या आया? 13/40 आया। ठीक है, तो इस ढंग से आप क्वेश्चन सब बना सकते हो। यहाँ पर भी है रिफर टू क्वेश्चन नंबर 2 पेज एक्सरसाइज 14.2 नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब बन जाएगा ये क्वेश्चन।